आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे, जिसमें कि जो पहला एग्जांपल है बताया गया है द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट साइन पाई टी, जहां पर आई वन का वैल्यू दिया गया है 10 एम्पियर और आई नॉट का वैल्यू दिया गया है पाई बाई 2 एम्पियर. फाइंड द चार्ज क्रॉस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 3 सेकेंड्स एंड ऑल्सो फाइंड द एवरेज करेंट इन दैट इंटरवल. ना तो हमें पता है कि जो करंट होता है, करंट को मैं लिख सकता हूं डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, करंट का वैल्यू ये है, आई वन का वैल्यू है 10 प्लस आई नॉट का वैल्यू है पाई बाई 2 साइन पाई टी. ठीक है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं डी क्यू इज इक्वल टू 10 डी टी प्लस पाई बाई 2 साइन पाई टी डी टी, है ना. लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन कर देते हैं और राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन कर देते हैं. जब टाइम जीरो है तो चार्ज भी जीरो, और जब टाइम टी हो गया, है ना, टाइम टी की जगह पर मैं 3 सेकंड रख देता हूं डायरेक्टली, तो जब टाइम 3 सेकंड हो गया तो टोटल चार्ज मान लेते हैं क्यू फ्लो किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा क्यू, इधर आ जाएगा 10 इंटू टी और टी का लिमिट रखेंगे 0 से 3 प्लस पाई बाय 2 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, है ना, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस पाई टी डिवाइडेड बाई पाई, टी के साथ में जो कांस्टेंट है उसे डिवाइड करना पड़ता है, लिमिट जो है वो रखेंगे 0 टू 3. तो यहां पर लिमिट रखेंगे तो यह आ जाएगा 10 इंटू 3 माइनस 0 प्लस, देखेंगे यहां से पाई और यहां से पाई कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन है इसको भी मैं बाहर कर देता हूं, 1 बाई 2 फिर कॉस, टी का वैल्यू पहले 3 रखेंगे तो 3 पाई माइनस कॉस 0 ये हो जाएगा. तो यहां से देखेंगे ये टर्म तो हो गया 30 माइनस 1 बाई 2 कॉस 3 पाई जो है ये आएगा एक्चुअली में माइनस 1 और कॉस 0 जो है ये आ जाएगा प्लस 1, तो 30 माइनस, ये देखेंगे ये माइनस 2 माइनस 2 और यहां पर माइनस है तो प्लस 2 बाई 2 यानी कि 1 हो गया, तो ये हो गया अल्टीमेटली 31 कूलम. तो इतना कूलम चार्ज जो है 3 सेकंड में फ्लो किया होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन से. अब इसमें पूछा गया है एवरेज करंट, तो जब एवरेज करंट का बात करेंगे तो हम लिखेंगे चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. तो चार्ज फ्लोन जो है अभी हमने यहां पर फाइंड किया है, यह आया है 31 कूलम और टाइम है 3, तो इतना एम्पियर का करंट जो है वहां पर एवरेज करंट फ्लो कर रहा होगा. इसके बाद जो अगला एग्जांपल है इसमें कहा गया है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10^-7 मीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर. एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम रफली कंट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, दिया गया है डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9×10³ kg/m³ एंड एटॉमिक मास इज 63.5. ठीक, तो जैसे देख सकते हैं कि इसका जो डेंसिटी दिया हुआ, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी जो है यह है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यह दिया गया है किलोग्राम में, मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं, 10^3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा
ग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब यूनिट वॉल्यूम में इतना ग्राम मास होगा। ठीक, हमें पता है कि जब मास को ये मोलिकुलर वेट से या एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 63.5 से तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स, ये आ गया मोल्स पर मीटर क्यूब एक्चुअली में, है ना, क्योंकि हमने मास भी पर मीटर वॉल्यूम लिया था, पर मीटर क्यूब लिया था। तो अब जो है अगर इसमें ये एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया तो ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स पर मीटर क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूं 9 × 10⁶, 63.5 हो गया और मोल्स है। तो मैं चाहता हूं नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता करना, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली मैं ले रहा हूं 6 × 10⁰, ये एवोगाड्रो नंबर अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअली में 6.023 होता है, मैंने इतना ले लिया है ना। तो ये बताएगा नंबर ऑफ एटम्स पर मीटर क्यूब। अब देखेंगे यहां बताया गया है एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम रफली कंट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम मतलब कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये आ जाएगा 9 × 6 × 10⁹ डिवाइडेड बाई 63.5 फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब को हम लोग कहते हैं n, इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जो करंट होता है उसको लिखा जाता है NEA × VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू यहां से आएगा I/NE×A। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में करंट का वैल्यू दिया गया है 1.5 एम्पियर, एन की वैल्यू अभी हमने यहां पर फाइंड किया है 9 × 6 × 10⁹ × 63.5, ये हो जाएगा, ये हो गया n। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये आएगा 1.6 × 10⁻¹⁹, इंटू एरिया जो है ये हो गया 10⁻¹⁷। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा कुछ 1.1 × 10⁻³ms/s, है ना, कुछ इस टाइप का आना चाहिए, क्योंकि यहां से देखेंगे 19 और ये 7, ये हो गया 26 माइनस में और ये हो गया 29, है ना। तो ऐसा कुछ आएगा, एक बार कैलकुलेट करके आप इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है ना, और इसी टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के रिलेशन से रिलेटेड अपने दो अगले वाले एग्जाम्पल्स हैं, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा हो तो ये रिलेशन यूज किया जाता है ना, R2 = R1e∝α×ΔT। ये तब यूज किया जाता है जब टेम्परेचर चेंज जो है बहुत लार्ज हो, लार्ज का मतलब है greater than 100°C, ऐसा कर सकते हैं। और जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है, 100 से बहुत ही कम हो, तो उस केस में हम लोग कर सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, R2 = R1 1+α×ΔT, है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर जो पहला एग्जांपल दिया गया है, कहा गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ क्वाइल एट अ टेम्परेचर ऑफ 15°C एंड द करंट इज 10 एम्पियर, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द क्वाइल व्हेन करंट हैज फॉलन टू 9 एम्पियर, द अप्लाइड वोल्टेज बीइंग द सेम एज बिफोर। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो करंट है वो 10 एम्पियर से 9 एम्पियर हो गया, करंट जो है पहले से कम हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है पहले से बढ़ गया होगा। तो शुरू में अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे, है ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से delta V = I × R होता है, तो ये 200
करंट था जब 10 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि R1 था, है ना। तो R1 का जो वैल्यू है ये हो गया 20 ओम। उसी तरह से वोल्टेज जो है अभी उतना ही है, लेकिन करंट अब चेंज हो गया, करंट हो गया 9 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि R2 हो गया। तो R2 का जो वैल्यू है ये आ गया 200/9 ओम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो टेम्परेचर चेंज हुआ है वो कम चेंज हुआ है, हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे क्योंकि यहां पर टेम्परेचर चेंज के बारे में बताया नहीं गया है कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। एक्चुअली में करंट फ्लो करता है तो हीटिंग होता है, हीट होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से फिर करंट कम होता है। तो इसमें हमें ये आइडिया नहीं है कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो हमें ये भी नहीं पता कि ये यूज करें या ये यूज करें। तो अपने पास तरीका क्या है, सबसे पहले ये यूज करते हैं, और अगर ये डेल्टा टी कहीं 100 के आसपास आता है तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर 100 से बहुत ही कम आता है फिर हमें वो वाला यूज करने की जरूरत नहीं है, इससे जो आंसर आएगा वो सही आंसर होगा। तो इसको पहले मैं यूज करता हूं, आर टू का जो वैल्यू है ये हो गया 200/9, और जो R1 है R1 हो गया 20, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू देखेंगे यहां दिया गया है 234 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां से इसको मैं सोल्व कर सकता हूं 200/9 माइनस 20 इज इक्वल टू 20/234 इंटू डेल्टा टी, है ना। तो ये देखेंगे ये आ जाएगा 20/9 इज इक्वल टू 20/234 इंटू डेल्टा टी। तो ये 20 और ये 20 कैंसिल, तो डेल्टा टी का यहां से जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 234/9, है ना। तो देखेंगे ये आ जाएगा 26, तो डेल्टा टी 26 है, क्योंकि रेजिस्टेंस देख रहे हैं यहां पर, रेजिस्टेंस जो है वो पहले से बढ़ गया है ना, रेजिस्टेंस बढ़ गया है इसलिए करंट कम हुआ है। रेजिस्टेंस तभी बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ा हो, तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अगर पहले टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस, तो अब जो नया टेम्परेचर होगा वो 15 से 26 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगा, तो ये आ जाएगा 41 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है इसमें टेम्परेचर बता दिया गया है ना, कहा गया है अ प्लेटिनम वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 20 ओम एट 273 डिग्री सेल्सियस। देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो चेंज है बहुत बड़ा है, पहले 0 डिग्री सेल्सियस था अब 273 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अब यूज नहीं कर सकते, हम लोग ये वाला यूज करेंगे इसमें, है ना। पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, है ना। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, आर टू इज इक्वल टू आर वन अल्फा इंटू ई पावर अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो आर टू जो है ये है 20 ओम, आर वन था 10 ओम, ई पावर अल्फा, और डेल्टा टी जो है ये है 273 माइनस 0, यानी कि 273, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इज इक्वल टू, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ई पावर 273 इंटू अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं दोनों साइड में लॉग लेता हूं, लॉग 2 इज इक्वल टू, इधर लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा 273 अल्फा, यानी अल्फा का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा लॉग 2/273 पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे यहां पर दो सर्किट दिखाया गया है, जिसमें जैसे पहले सर्किट की बात करें तो यहां पर एक बैटरी दिखाया गया है 10 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। यहां पर एक बॉक्स दिखाया गया है, इस बॉक्स के अंदर हमें नहीं पता क्या है, रेजिस्टेंस है या बैटरी है या कैपेसिटर है, क्या है हमें नहीं पता, ठीक। ये बताया गया है कि इसमें 1 एम्पियर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जो दूसरा फिगर है, जो दूसरा सर्किट है, इसमें भी बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है
और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 ओम है। इस बॉक्स में क्या है ये भी हमें नहीं पता, लेकिन इसमें करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे फ्लो करेगा, ठीक है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो ये कहा गया है बॉक्सेज मे कॉन्टेन रेजिस्टर और बैटरी और एनी अदर एलिमेंट, फाइंड इन ईच केस, दोनों ही केस में हमें कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है ईएमएफ ऑफ बैटरी, है ना, तो देखेंगे इसमें भी बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है और इसमें भी बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है, तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो तो हो गया 10 वोल्ट इन ईच केस, ठीक। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, कहा गया बैटरी इज एक्टिंग एज सोर्स और लोड। सोर्स का मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी सप्लाई कर रहा हो, जो एनर्जी अपना लूज कर रहा हो दूसरों को सप्लाई कर रहा हो, लोड का मतलब दूसरों से एनर्जी जो ले रहा होगा खुद कंज्यूम कर रहा होगा, तो उसको लोड बोलेंगे। तो देखेंगे कि ये जो बैटरी है ये अपना एनर्जी दे रहा है बाहर की तरफ, है ना, ये एक्चुअली में डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज कब होता है, जब बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से निकलकर करंट निगेटिव में एंटर करता है ना, सर्किट से होता हुआ, तो इस तरह से ये डिस्चार्ज हो रहा है और ये वाला देखेंगे चार्ज हो रहा है, ठीक है। सर्किट में निगेटिव प्लेट से करंट निकल रहा है और पॉजिटिव में इंटर कर रहा है, तो ये बैटरी चार्ज हो रहा है। जो चार्ज हो रहा होगा वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, तो वो लोड जैसा काम कर रहा है ना। तो जो सेकेंड वाले केस में है, बी वाले केस में, ये लोड जैसा काम करेगा, और जो पहले वाला केस में जो बैटरी है वो सोर्स जैसा काम करेगा, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो जब भी बैटरी डिस्चार्ज हो रहा हो, हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जो थर्ड पार्ट है उसमें डिस्चार्ज जब होता है कोई बैटरी, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है वो होता है ई माइनस आई आर। ई ईएमएफ है, आई करंट और आर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो 10 वोल्ट का ईएमएफ है दोनों ही केस में, करंट 1 एम्पियर है और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1, तो ये हो जाएगा 9 वोल्ट। ये हो गया पहले वाले केस में, है ना, पहले वाले केस में, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन अगर कोई बैटरी चार्ज हो रहा हो, जैसे बी वाले केस में बैटरी चार्ज हो रहा है, जब बैटरी चार्ज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाता है ई प्लस आई आर, है ना, तो ई है 10 वोल्ट प्लस करंट है 1 एम्पियर दूसरे वाले केस में और रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है 1, तो ये हो गया 11 वोल्ट, ठीक है। तो इस वाले केस में यहां का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 9 वोल्ट और इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 11 वोल्ट। तो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट पूछा गया है पावर इनपुट टू द बैटरी और आउटपुट टू द बैटरी। अब देखेंगे ये जो बैटरी है ये आउटपुट दे रहा है, तो आउटपुट कैसे निकालेंगे, पावर आउटपुट का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अगर क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ में ए में लिखेंगे पावर होता है डेल्टा वी इंटू आई, तो डेल्टा वी तो आया है 9 वोल्ट और करंट है 1, तो ये हो गया 9 वाट और ये डिस्चार्ज हो रहा है यानी कि आउटपुट दे रहा होगा, इतना आउटपुट पावर हो गया। बी वाले केस में इनपुट होगा, मतलब वहां से इसके अंदर एनर्जी जा रहा है, ये पावर भी हम लोग लिखेंगे डेल्टा वी इंटू आई। दूसरे वाले केस में डेल्टा वी है 11 वोल्ट और करंट है 1 एम्पियर, तो ये हो गया 11 वाट और ये एक्चुअली में इनपुट है, ठीक है, इतना उस बैटरी के अंदर एनर्जी आ रहा है इस रेट से। इसके बाद क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा गया है द रेट एट विच हीट इज जनरेटेड इनसाइड द बैटरी। दोनों ही बैटरी के अंदर हीट जनरेट हो रहा होगा, जैसे कि इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इंटरनल रेजिस्टेंस से पावर लॉस हो रहा है आई स्क्वायर इंटू आर। दोनों ही केस में करंट का वैल्यू 1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 है, तो 1 वाट आ जाएगा इन बोथ केस, ठीक है। इसके बाद आते हैं फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट हो गया, सिक्स में आते हैं। सिक्स में कहा गया है द रेट एट विच केमिकल एनर्जी ऑफ सेल इज कंज्यूम्ड
और इंक्रीज्ड, है ना, किस रेट से केमिकल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है। अब बात करते हैं पहले वाले की, है ना, तो पहले वाले केस में आउटपुट हो रहा है ना, आउटपुट देखेंगे कितना है, 9 वोल्ट का, 9 वोल्ट का आउटपुट जा रहा है कहां पर, बॉक्स में जा रहा होगा, और बैटरी के अंदर भी 1 वाट का लॉस हो रहा है, बैटरी के अंदर 1 वाट का लॉस हो रहा है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये 9 वाट का आउटपुट प्लस 1 वाट का हीट लॉस दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 वाट। ये पहले वाले केस में आ गया। दूसरे वाले केस में देखेंगे इनपुट है, इनपुट कितना है, 11 वाट का, 11 वाट का इनपुट है, लेकिन उसमें से 1 वाट यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस हो जा रहा है, 1 वाट का हीट लॉस हो रहा है, तो आ रहा है इतनी एनर्जी जिसमें से 1 वाट का हीट लॉस हो जा रहा है, तो एक्चुअली में एनर्जी किस रेट से बढ़ रही है, 10 वाट से, है ना। इसमें क्या था, 9 वाट गया उस बॉक्स के अंदर और 1 वाट खुद वहां पर लॉस हो गया बैटरी के अंदर ही, तो 10 वाट का एनर्जी जो है वो कह सकते हैं कि इस रेट से पावर बाहर जा रहा है, खर्च हो रहा है ना। और दूसरे वाले केस में क्या आ रहा है, बाहर से एनर्जी आ रहा है इधर इतना और जिसमें से 1 वाट का लॉस हो जा रहा है, तो उसकी एनर्जी किस रेट से बढ़ रही है, 11 माइनस इतना 10 वाट के रेट से बढ़ रही है। ध्यान रखना है कि इसमें चूंकि करंट ऐसे जा रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर कहीं ना कहीं बैटरी होना चाहिए, बैटरी होगा तभी ये चार्ज हो सकता है और ये डिस्चार्ज हो रहा होगा, इसमें रेजिस्टेंस हो सकता है, है ना, रेजिस्टेंस हो सकता है, तो यहां से एनर्जी इसमें जा रहा है। इसके बाद आते हैं सेवेंथ पार्ट में, सेवेंथ पार्ट में पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बॉक्स, है ना, तो जैसे ये बॉक्स है तो देखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी होना चाहिए, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अपना आया है 9 वोल्ट तो यहां भी 9 वोल्ट ही आएगा, है ना, ए वाले केस में आ जाएगा 9 वोल्ट। और यहां भी ऐसे ही कह सकते हैं जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है वही पोटेंशियल डिफरेंस बॉक्स से क्रॉस होना चाहिए, तो यहां पर तो 11 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया है जैसा हमने यहां पर कैलकुलेट किया था, है ना, पहले वाले केस में 9 वोल्ट आया था पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे वाले में 11 वोल्ट, तो यहां पर 11 वोल्ट है तो यहां भी 11 वोल्ट ही होगा, तो बी वाले केस में 11 वोल्ट। ठीक, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है 8, कहा गया इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट अक्रॉस बॉक्स, तो देखेंगे पहले वाले केस में एक्चुअली में आउटपुट नहीं है, इनपुट है, ये जो बॉक्स है इसके अंदर एनर्जी आ रहा है, ठीक है, तो इसमें आउटपुट पूछा गया है, इनपुट हो रहा है तो मैं लिखूंगा निगेटिव में, है ना, माइनस कितना वाट का, एक्चुअली में 9 वाट का यहां पर कह सकते हैं कि जो बैटरी का आउटपुट है एक्चुअली में बॉक्स के लिए इनपुट है, इस बैटरी का आउटपुट और इसका इनपुट दोनों बराबर होने चाहिए, तो इस बैटरी का आउटपुट था 9 वाट तो उसका इनपुट हो गया 9 वाट, लेकिन पूछा क्या गया है आउटपुट बॉक्स का, बॉक्स का आउटपुट पूछा गया है, एक्चुअली में इनपुट है इसलिए मैं माइनस में लिख रहा हूं, और बी वाले केस में एक्चुअली में जो बॉक्स है यहां से आउटपुट हो रहा है, यहां से एनर्जी निकल करके इधर जा रहा है, तो जितना इसके पास एनर्जी आ रहा होगा एक्चुअली में उतना ही यहां से बाहर जा रहा होगा, तो यहां पर कितना आ रहा है 11 वाट के रेट से आ रहा है, देखेंगे यहां पर इनपुट बताया मैंने 11 वाट का इनपुट है इस बैटरी में, तो यहां से उतना ही आउटपुट होगा, तो बॉक्स के अंदर बोलेंगे 11 वाट का आउटपुट है, और आउटपुट पूछा गया इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक।